नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे चांदी के हाथी का उपाय कब किया जाता है, कब चांदी के हाथी का उपाय करने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, चांदी के हाथी का उपाय कब करना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आप कोई भी उपाय अगर करते हैं तो कोई उपाय करने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहले दिखाना चाहिए, फिर कोई भी उपाय करना चाहिए। और जो लाल किताब के उपाय हैं उनको करने से पहले अपनी कुंडली किसी लाल किताब एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं और उसके बाद ही किसी उपाय को करें। तो दोस्तों चांदी का जो ठोस हाथी है, चांदी का जो हाथी है, पहले तो उसके बारे में एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो चांदी का हाथी लिया जाता है उपाय के लिए वो ठोस होना चाहिए। तो चांदी का जो हाथी है इसका उपाय किया जाता है जब राहु खाना नंबर 5 में होता है, फिफ्थ हाउस में होता है। दोस्तों फिफ्थ हाउस जो है वो संतान भाव होता है, फिफ्थ हाउस से औलाद को देखा जाता है, संतान को देखा जाता है। तो फिफ्थ हाउस के बारे में, जब राहु फिफ्थ हाउस के में होता है और मंदी हालत का होता है, तो मंदी हालत का कब होता है दोस्तों राहु, उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ती है, उसके अलग अलग रूल्स हैं वो देखने पड़ते हैं। तो जब राहु फिफ्थ हाउस में है और मंदी हालत का है तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि ऐसे जातक के यहाँ पर जो मेल चाइल्ड है, जो नर औलाद है, या तो वो बहुत देरी से पैदा होगी, मेल चाइल्ड बहुत देर से पैदा होगा या होगा ही नहीं, या माँ के पेट में ही बच्चा मर जाएगा। और अगर पैदा हो भी गया तो 12 साल की उम्र तक उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी सेहत है वो ख़राब रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके के मंदे असर औलाद को लेके मिलते हैं जातक को जिसका राहु फिफ्थ हाउस में होता है। तो ये जो राहु के मंदे असर हैं इससे बचने के लिए घर में चांदी का ठोस हाथी रखना चाहिए, चांदी प्योर होनी चाहिए और जो हाथी है वो ठोस होना चाहिए, अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। तो जब चांदी का ठोस हाथी घर में रखा जाता है तो राहु फिफ्थ हाउस का जो मंदा असर है, जातक को जो राहु पांचवें घर में होने से जो औलाद को लेकर, औलाद से संबंधित जो जातक को मंदे असर मिल रहे हैं वो मंदे असर दूर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।